Yes, prepare the format. Negative balance as per passbook. This is positive column. Boys at the last, be quiet. Boys at the last, be quiet, and you need to come forward rather. Balance as per passbook, PB, I write it. 41,000 negative. किसके अकॉर्डिंग सोचेंगे? कैशबुक के अकॉर्डिंग. चलो जी सोचते हैं. हम बना रहे हैं 31 जनवरी तक BRS. 15,600 के चेक 27 जनवरी को मैंने भेजे. भेजे मतलब ड्रॉन का मतलब इशू. ठीक है जी. जैसे मैंने 15,600 के चेक भेजे, मैंने सीबी डाउन कर ली क्योंकि चेक काट के दिए किसी को. हुआ क्या? आउट ऑफ विच 11,000 के ही 31 मार्च तक हुए हैं. 11,000 से पीबी डाउन है. आपको नहीं लगता 4,600 से कैश बुक ज्यादा डाउन है? 11,11 दोनों में बराबर हो गया, दोनों ही डाउन है. लेकिन ये 15,600 से डाउन है, ये 11,000 से डाउन है. सो हाउ मच डिफरेंस इज हियर इन बोथ द बुक्स? 4,600 का डिफरेंस है. और कैश बुक में है, कैश बुक 4,600 से डाउन है, तो पासबुक को भी डाउन करो. So that's why I will be writing the difference in the negative column. आगे पढ़ो. हाँ जी, ये भी ध्यान से सुनना. A check of ₹800 has been given debit by the banker in the passbook only. Bank हमें debit कब करता है? Bank ने 800 का check मेरी passbook में से debit कर दिया, मतलब minus कर दिया. Means मेरी passbook में 800 रुपया down है. मैं किसके according सोच रही हूँ? कैशबुक के अकॉर्डिंग सोच रही हूँ. कैशबुक में क्या है? प्लस है, तो इसे प्लस. मींस अब की बार गलती किसमें हुई? बैंक वालों से. बैंक वालों से गलती हुई. ठीक है, कई बार नाम सेम होते हैं ना, तो डालना सोनिया महाजन के अकाउंट में था, डाल दिया सोनिया बजाज के अकाउंट में. सो नेम्स वर सेम, बैंक ने नहीं देखा या अकाउंट नंबर का कोई फेर फेर हो गया, जिसके कारण उसने 800 का चेक मेरे अकाउंट में से डेबिट कर दिया. माय पासबुक कम्स डाउन, बट आई एम थिंकिंग एज पर कैशबुक. कैशबुक में प्लस है तो प्लस कर दो. आगे चलो. 200 रुपए का क्रेडिट बैंक ने हमें दिया. बैंक हमें क्रेडिट कब देता है? जब हमारा बैलेंस बढ़ता है. हम किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं? कैशबुक के अकॉर्डिंग. कैशबुक में डाउन है तो डाउन. क्रेडिट गिवन बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक. आगे चलो. यस, इसका सोचना पड़ेगा. 21,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए. जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करवाए, सीबी बढ़ा ली, डन. कैशबुक आपकी बढ़ चुकी है. इसमें से 7,400 के चेक बैंक में क्रेडिट तो हुए हैं, लेकिन 31 जनवरी के बाद. क्या डिफरेंस से करूं या 21,000 से करूं या 7,400 से करूं? यस, 70 जो नहीं हुआ वो लेना. 7,400 के चेक बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, पासबुक डाउन रही, लेकिन कैशबुक तो ऑफ था ना, क्योंकि कैशबुक में तो आपने इमीडिएटली 21,000 बढ़ा लिया था. ठीक, 7,400 से आपकी कैशबुक क्या है? अप है, तो इसे भी अप कर दो. आगे चलो. आपने एक चेक जमा करवाया था. थोड़ी सी कहानी बैकग्राउंड चलते हैं. आपने एक चेक जमा करवाया था. जैसे ही आपने चेक जमा करवाया, आप अपनी कैशबुक बढ़ाए बैठे हो, वो चेक डिसऑनर हो गया. डिसऑनर की एंट्री सिर्फ बैंक ने करी, आपने नहीं करी, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? सीबी अप है. उसने लिखा ना, चेक गॉट डिसऑनर्ड. आपने उससे पीछे चलना है ना. आपने पहले चेक भेजा होगा. जब आप चेक भेजते हो तो आप अपनी कैशबुक बढ़ा लेते हो. चेक डिसऑनर हो गया. डिसऑनर के बारे में सिर्फ पासबुक में डेबिट हुआ, मींस पासबुक डाउन हो गई 1,000 से. मैं किसके अकॉर्डिंग सोच रही हूँ? कैशबुक के अकॉर्डिंग. कैशबुक में डिसऑनर की एंट्री नहीं करी, इट मींस की कैशबुक बढ़ी रही. एनी डाउट? एनी डाउट? व्हेन यू सेंड द चेक टू बैंक, क्या एंट्री करते हो? हाँ, तू कस्टमर कर लो, चलो है ना. इमीडिएटली, आई एम अस्यूमिंग इमीडिएटली बैंक में भेज दो. वो चेक डिसऑनर हो गया. आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, तो आपकी कैशबुक तो बढ़ी रही ना. डिसऑनर के बारे में किसको पता है? बैंक को. बैंक ने आपका बैलेंस कम कर दिया, आपका बैलेंस बढ़ा रहा. आप सोच भी कैशबुक के अकॉर्डिंग रहे, इसलिए प्लस करो. चलो जी आगे. इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस ₹100 वर नॉट इक्वल. पहले तो इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस दोनों इकट्ठे हैं,
ये कौन से वाले होंगे, डेबिट के क्रेडिट, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट होते हैं, दोनों इकट्ठे है ना, तो मैं दोनों को सेम ट्रीटमेंट दूंगी ना। ये इंटरेस्ट कौन सा होगा, इंटरेस्ट चार्ज के इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यस अब ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक एंड बैंक चार्जेस ऑल्सो चार्ज बाय बैंक हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यही लिखा है ना, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो 100 रुपया कैश बुक का बढ़ा रहा, कैश बुक अप है, आगे चलो, क्या मतलब है अगली लाइन का, एक चेक मिला एंट्री कर ली लेकिन बैंक में नहीं भेजा, एंट्री कर ली है, यही लिखा ना, अ चेक ऑफ रुपीज 500 डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में भेजा ही नहीं, जब बैंक में नहीं भेजा पीबी डाउन है, आप अपने ड्रॉअर में संभाल के बैठ गए, एंट्री कर ली, चेक उठा के वो पेपर बैंक में भी तो भेजना है ना, नॉट बैंक का मतलब है बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा, कैश बुक में करी हुई लिखा तो हुआ, देखो अ चेक ऑफ रुपीज 500 डेबिटेड इन कैश बुक लिखा तो हुआ, मींस आप एंट्री, दो चीजें है, वन इज रिकॉर्डिंग एंड अदर इज प्रैक्टिकल एक्शन, रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल एंट्री करके कैश बुक में डेबिट किया हुआ लिखा हुआ, समृद्धि पढ़ो क्यों, दोनों चीजों में फर्क नहीं है, आप एंट्री करके बैठ गए, और क्योंकि आपको पता, ध्यान से सुनना, आपको पता है कि चेक के 3 महीने लाइफ आपने ड्रॉर में संभाल के रख लिया, आपने उस दिन नहीं भेजा, 31 जनवरी भी आ गया आपने तब तक नहीं भेजा, चलो ऐसे मान लो फिर चेक इन हैंड है, ऐसे मान लो, ये वैसे एक सिंपल है, एक सिंपल वर्जन है, आप प्रैक्टिकल होके सोचो, यू एज अ बिजनेस वुमन इज रिसीविंग अ चेक, आर रिसीविंग अ चेक है ना, तो उस केस में क्या है, आप एंट्री कर लोगे, आपके अकाउंटेंट ने एंट्री कर ली लेकिन पीओ ने या क्लर्क को भेजा ही नहीं बैंक में चेक, जब बैंक में चेक गया ही नहीं तो पासबुक का बैलेंस तो डाउन रहा, इस बात से एग्री करते हो ना, जब चेक बैंक में नहीं गया पासबुक का बैलेंस डाउन रहा, आप एंट्री कर चुके हो कैश बुक का बैलेंस आप है, बस इतना ही सोच लो, इतने लेवल तक ही सोच लो, चेक इन हैंड एंड दिस और दैट कंफ्यूज नहीं करना, प्रैक्टिकल होके सोच लो, जब तक बैंक में चेक नहीं जाएगा तब तक पासबुक का बैलेंस डाउन रहेगा, आप कैशबुक में एंट्री कर चुके हैं, कैशबुक बढ़ चुकी है 500 से बढ़ा दो, अब आंसर निकालो कौन सी साइड बड़ी लग रही है, नेगेटिव, नेगेटिव 41,000, 45,600, 45,800 करो जी, पॉजिटिव का टोटल 82,92,93,98 करो माइनस, कितना आ रहा है पीछे, कितना है, ओके डन मैचिंग, और as the negative side is greater means negative figure is greater than the positive figure then the balance as per cash book will be overdraft balance or credit balance as per cash book, yes cash book ke credit ka matlab negative hota hai, so again it was an easy version, sirf ek beginning point hum logo ne change kiya, rest of the things we were doing as per usual, any doubt batane lage, maine waise bataya hua hai, मैं लिखने लगी हूं, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया भी हुआ, इन माय कैश बुक डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगता है, ठीक है, इन माय कैश बुक डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो कैश बुक के डेबिट का मतलब पॉजिटिव है, कैश बुक के डेबिट का मतलब पॉजिटिव है, कैश बुक के क्रेडिट का मतलब नेगेटिव, अगर ये दो चीजें आप याद रख लोगे बैंक का रिवर्स, बैंक का क्या होगा, बैंक के डेबिट का मतलब नेगेटिव, बैंक के क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव, विष्णुर यही रूल हम फॉलो करते हैं, बैंक जब हमें क्रेडिट करता है मतलब बैंक क्रेडिटेड माय अकाउंट, मतलब बैंक में पैसे बढ़े तो पॉजिटिव है ना, ये रूल हम फॉलो करते हैं क्वेश्चन करते हुए, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस मींस बैंक ने मेरे से बैंक चार्जेस काटे मींस मेरा बैलेंस डाउन हुआ तो नेगेटिव है ना, ठीक है, और हम अपने कैश को अपना एसेट मानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल, अगर आपको ये याद हो गया दूसरा तो उसका रिवर्स ही करना है, विनायक व्हेन आई टुक अ टेनिस यू वर नॉट इन द क्लास आई एम राइट, मैंने टेनिस नहीं लगाई शायद आप लगाई, चलो जी 17th करना शुरू करो, इट्स योर टर्न नाउ, डू 17th एवरीवन।